व्हाट्सअप गाइस, तो आ चुके हैं हम एक और नए वीडियो के अंदर। तो यार इस बार की वीडियो में भाई मैं मतलब पिछले वाले वीडियो में ना भाई मेरे से बहुत गलत सीन हुआ था। मतलब कैसे कि पिछले बार में जो दो मिथ से वो कंफर्म थे, लेकिन मैंने उनको बस्टेड कर दिया था। तो एक मिथ था कि हनी ड्रॉप का ही था, जैसे बी साइड जो ट्री रहता नीचे का, जिसमें मतलब जो स्लाई मतलब पिंक कलर करता उसके बाजू में, तो उस पर हम वहाँ पर उस बंदे ने लिखा था यू कैन नॉट क्लाइम। बस मैंने मतलब मैंने समझ लिया कि यू कैन क्लाइम, तो वो उसी के लिए गलती से मैंने समझ गया था, इसलिए मैंने उसको बस्टेड कर दिया था। जिसने भी वो मिथ लिखा था सॉरी यार, लेकिन वो आपका मिथ वो कन्फर्म था, मैंने गलती से बस्टेड कर दिया था। सर एक और मिथ था वो जो नया मैप है अभी आया था, उसके अंदर हम बॉम्ब जो रहता है उसको पुश कर सकते हैं। मतलब उसने लिखा था कि हम लोग पुश कर सकते हैं, लेकिन क्या था मैंने चार पांच डाई खेला और सेम रीजन, मैं जैसा आपने पिछले वीडियो देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा क्या रीज़न हो रहा था, सेम रीज़न हो रहा था। मेरे को लगा भाई मिथ बस्टेड रहेगा, तो मैंने कर दिया। लेकिन कैसा अपलोड करने के बाद कुछ मैच खेलने के बाद मतलब देखा कि मैं इजीली उस बॉम्ब को पुश कर पा रहा हूँ, लेकिन कैसे मेरे को नहीं समझ आ रहा। लेकिन फिर कमेंट्स आते बहुत लोगों कि वो मिथ कंफर्म था, आपने उसको बस्टेड किया। तो जिसने भी वो मिथ लगा था उसको सॉरी यार, आपका छोटा भाई है, माफ़ कर दिया करो। तो यार सॉरी, लेकिन चलते अभी अब आ रहे नेक्स्ट मतलब मिथ्स की ओर। तो यार इस बंदे ने लिखा है जो शार्क वाला मतलब जो नया मैप में जो शार्क है, तो उसके हम क्लाइम कर सकते हैं, मतलब हाँ उसके बाद मतलब हम क्लाइम कर सकते चढ़ सकते। तो अगर मेरे से कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को माफ़ कर दिया करो और लिख भी दिया करो। तो यार यहाँ पर शार्क आ रहे, मैंने यहाँ पर जंप किया तो शायद से मैंने रॉन्ग किया था, लेकिन मेरे को जितना तक पता है कि हम लोग ना उसके ऊपर क्लाइम नहीं कर सकते। तो यार ये मिथ पूरी तरीके से बस्टेड हो जाता है। तो यार बढ़ते हमारे अगली मिथ्स की ओर। तो यार ये वाला मिथ कहते हैं जो स्पिन को राउंड में जो हमारा मतलब स्टार्टिंग में जो वॉल रहते हैं उन पर हम वॉक कर सकते हैं ईजिली। तो यार चलो देखते हैं, यहाँ पर हम लोग लेफ्ट से पहले आते हैं, ट्राई करते हैं। तो यार बूम गाइस, लेफ्ट में तो बड़ा ईजिली हम वॉक कर पा रहे हैं और गाइस एकदम इजीली वॉक कर पा रहे भाई, एकदम सिंपल है भाई। लेफ्ट में तो हो गया, चलो अब राइट में ट्राई करते हैं। तो यार राइट में मैं भी आया एकदम राइट में, और अभी राइट से मैंने यहाँ पर जंप एंड डाइव किया और बूम गाइस यार राइट में भी हम कर सकते हैं। मतलब लेफ्ट और राइट मतलब आपको समझो, आपको सेंटर से जाना नहीं आता है, और मैं पिंग आया था तो आपको समझ सेंटर में जाने को नहीं आता, तो आप यहाँ वॉल क्लाइम करके आप जा सकते हैं इजीली। तो यार पूरा मिथ कन्फर्म है, बूम मिथ कन्फर्म। तो यार ये वाला मिथ क्या है जो पाइवेट पुश मैप रहता है, उसके अंदर जब सब लोग एक साथ गैदर मतलब एकदम चिपको मतलब एकदम झगड़ा कर रहे थे मतलब अब जैसा है, उसके बाद हम लोग एक बंदे के प्ले मतलब सर के ऊपर खड़ा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हल्का सा खड़ा था, लेकिन मैं मतलब गिर गया था। तो यार एक बार फिर से देख लेता, अभी देखो मैं यहाँ पर एकदम ईजिली चढ़ रहा, लेकिन मैंने इस बंदे पर अचानक से क्लाइम कर लिया, पाइवेट पुश मैप ये भी। तो यार हम ईजिली बंदे पर मतलब चढ़ सकते हैं, और जब पूरा भीड़ रहेगा तो यार ये वाला मिथ पूरी तरीके से कन्फर्म है। तो ये वाला मिथ कहता है कि जो सिम्बल्स होते हैं ना मतलब आइस वाले, तो वो आइसी मैप में हर ट्रैक मतलब हर जगह बिछे हुए मतलब लगे हुए हैं, तो देखते चलो। तो यार स्टार्टिंग में तो यस गाइस आइस का सिंबल दिख रहा है, देखो आप स्लोप पे आपको दिख रहा रहेगा, यस गाइस ये पूरा, लेकिन जब हम वाइट पे थोड़ा जाते हैं तो थोड़ा मतलब एकदम लाइट हो जाता है। तो चलो गाइस आगे देखते हैं। तो यार एकदम लाइट लाइट तो आइस का सिंबल दिख रहा है, तो आगे देखते हैं। यस पूरी अच्छी तरीके से उन्होंने बोला कि पूरे मतलब मैप में, तो चलो देखते हैं। थोड़ा थोड़ा लाइट दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है अभी, यस थोड़ा थोड़ा और दिख रहा है, और अब हम स्लोप पर पूरा अच्छे से आइस का सिंबल दिख रहा है। यस गाइस ये पूरा मैप में बिछा हुआ है, तो इसका मतलब ये गाइस पूरा मिथ कन्फर्म हो जाता है भाई, ओपी मिथ। तो ये वाला मिथ कहता है कि कभी कभी हैमर ओपी तरीके से काम करता, जो भाई साहब चलो यार देखते। तो यार ये फाइनल मैच चालू था, और मतलब मैं पिंक की वजह से गिर गया था इधर, बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने हार मान लिया था, लेकिन मतलब एकदम तेज़ी से मैं गया यहाँ पर, और आगे देखा कि कुछ मतलब यहीं पर से मतलब तो मतलब कुछ भी है, मतलब अभी देखो यहाँ पर दो लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, और हैमर ने दोनों को एक एक थाड़ थाड़ फटका दिया भाई, इनके मतलब दिन में तारे दिखने लग गए, और ये इजीली मैं यहाँ पर जीत गया भाई। इन्होंने सही कहा भाई, हैमर कभी कभी ओपी तरीके से काम करता है। और मैं यहाँ पर मतलब ज़रा टाइम पास कर रहा था उन लोग का, क्योंकि आए मैं उनको चिढ़ाऊँ टाइम पास, मतलब एक बंदा आया मैं तुरंत क्वालिफाई हो गया। तो इन्होंने बिल्कुल मिथ कन्फर्म है भाई, इनका मिथ यार कभी कभी हैमर ओपी तरीके से काम करता है। तो यार ये कोई मिथ नहीं है, बस मतलब मैं देखना चाहता हूँ जो पीछे का माउंटेन है, क्या हम इधर क्लाइम कर सकते हैं क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मतलब देखो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है इधर हम क्लाइम कर सकते हैं, लेकिन मतलब मैंने बहुत बार ट्राई किया, एक बार तो भाई खड़ा हो ही गया था लेकिन फिसल गया था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम क्लाइम हो सकते हैं या फिर नहीं, और अगर हम यहाँ पर क्लाइम हो सकते तो फिर मतलब तो प्लीज़ मैं मुझे कमेंट में बताना, या फिर मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिप सेंड कर सकते हो। और प्लीज़ फेक मत बताना है, मतलब दिल से बुरा लगेगा, मतलब मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि हम वहाँ पर चढ़ सकते हैं। तो और चलो यार नेक्स्ट मिथ की ओर बढ़ते हैं। तो ये वाला मिथ कहता है कि जो मतलब मिथ अगर मतलब जो कैनन होता है ना, अब हम कैनन के अंदर जाएंगे तो फिर मतलब हम 100% क्वालिफाई हो जाएंगे 100%। तो यार बूम गाइस चलो देखते हैं। तो यार मैं हाँ कैनन, उन्होंने बोला था कोई सा भी कैनन, तो मैं यहाँ पर कैनन के अंदर हूँ, मैं थोड़ा अंदर था,
जम जम कर रहा था, मैं सोच रहा था अब क्वालिफाई होगा, तो यार देख रहा था मैं क्वालिफाई, जंप एंड डाइव भी करना चालू कर दिया था मैंने, तो मैं देख रहा हूँ यार अब क्वालिफाई आएगा, लेकिन गाइज घंटा क्वालिफाई हो ही नहीं भाई। 100% मिथ कन्फर्म नहीं भाई, 100% मिथ बस्टेड है भाई, किसी काम का नहीं भाई, एकदम बकवास मिथ है, एकदम 100% बस्टेड। तो यार अगला मिथ कहता है कि अगर आप जॉयस्टिक को सर्कल मतलब घुमाते रहोगे तो आपको कुछ कोडिंग टाइप का खुल जाएगा। तो देखते मैं यहाँ पर एकदम तेज़ी से घुमा रहा था एकदम मस्त, लेकिन ये बंदे ने पंच मार के मूड ख़राब कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पर तब भी घुमाते रहा और बूम गाइस यार, आप जैसे कि देख सकते हो ये मतलब कुछ तो कोडिंग खुल गया, और लाइन नंबर 4th पे मेरा नाम मतलब कुछ तो और भी बहुत कुछ लिखा है। तो यार इसका अगर आप इसका मतलब जानते हो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना। और यार मतलब ओपी लग रहा भाई, बहुत सारे ऊपर नीचे स्क्रोल करने पर भी और भी बहुत कुछ है। हाँ आपको ये देखने में क्या चीज़ लगा, मतलब कोडिंग है लेकिन किस चीज़ का कोडिंग है, अगर आप कोडिंग करते हो तो मेरे को प्लीज़ बताना। और ये बहुत कुछ लिख रहा है, लेकिन यार मिथ पूरी तरह से कन्फर्म्ड है, अगर हम सर्कल घुमाते रहेंगे तो कुछ कोडिंग टाइप खुल जाएगा। तो ये वाला मिथ कहते हैं पता नहीं प्रो प्लेयर्स को क्या हो गया है लावा रश में, लावा रश क्वालिफाई करना उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। चलो यार देखते हैं, मैं यहाँ पर मस्त में जा रहा था लेकिन ये पिंक के वजह से भाई हुआ ना मेरा मूड ख़राब, मैं खेलना ही छोड़ दिया। देखो मैं यहाँ पर आया टाइम पास, मैंने बोला भाई क्या क्वालिफाई होगा, मैं टाइम पास किया इतना ज़्यादा टाइम पास किया, 4x फास्ट है यस गाइस, बिल्कुल 4x फास्ट है, मैं इतना ज़्यादा टाइम पास कर रहा था, मैं मतलब यहाँ पर इतना देर से खड़ा था, इतना टाइम पास कर रहा था लेकिन कभी कोई क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मैंने देखा भाई क्या चल क्या रहा है भाई, तो कोई बॉट भी नहीं थे, सबके सब रियल थे, तो मैं एकदम बिंदास लीजिए मतलब एकदम मस्ती में जा रहा था, मैं पता था मैं हेलमेट होने वाला हूँ, नहीं जब मैं आगे जाके देखा तो गाइस देखो मतलब ये देखो गाइस मतलब जब से टिप्स एंड ट्रिक्स बंद हो गए ना भाई सारे प्रो प्लेयर्स को पता नहीं क्या हो चुका है, मतलब ये मैं भी प्रो हूँ लेकिन भाई मतलब मेरे को इतना अच्छा था आता है, यहाँ पर बहुत गंदा वाला पिंग आया था भाई। देखो यार कुछ प्लेयर्स तो यहाँ पर ही थे अच्छे, तो मैं छोटे माउंटेन से बड़ा माउंटेन पे गया था सबसे पहले, तो मैं देख रहा हूँ कि आगे मेरे को बंदे क्यों नहीं दिखे, तो मगर कोई बंदा शायद वो और जो फिनिश लाइन के पीछे रहता उधर कैंप कर रहा रहेगा, तो मैं जाके देखा फटाफट, तो देखा एक बंदा सामने बोला वो जीत जाएगा इजी, लेकिन वो गिर गया, तो मैं सोचा क्या मैं जीत सकता हूँ कैसे, मैं यहाँ पर गया फटक से, मेरे को मैं जीत गया, लेकिन मैं सोचा फिनिश लाइन के पीछे शायद कोई रहेगा, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर देखो एक इनविजिबल बंदा आया, उसको लगा कि मैं इसको देख नहीं पाया, लेकिन मैं इसको देख लिया और बूम करा कि मैं इसका मौके का फायदा उठा कि मैंने तुरंत क्वालिफाई कर लिया भाई। तो इतना टाइम पास किया तब भी ये लोग देखो भाई इतना टाइम लगा इनको, मैं पूरी तरीके से मिथ और मतलब कन्फर्म हो चुका भाई, बिना टिप्स एंड ट्रिक्स भाई लावा रश है ही नहीं, मतलब कोई कर ही नहीं पाएगा बहुत हार्ड। तो यार आज के लिए बस इतना ही गाइस, और आगे मेरे को मिथ्स और अच्छे अच्छे लिखे, स्पेस रेस का भी लिखिए अच्छे अच्छे मिथ्स, मैं उनको ट्राई करूंगा, हफ्ते में 1 से 2 वीडियो आ जाएंगे। तो यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और आप सबका थैंक यू, 1.6 के सब हो चुके शायद पता नहीं। तो यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अब नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।